रहे थे कि मुलायम के निधन पर तेरहवीं नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ तो कार्ड तक छप गए। देखिए किस तारीख को होगा मुलायम का तेरहवीं भोज और किसे किसे भेजा गया है निमंत्रण पत्र। कार्ड की तस्वीर आई सामने तो सैफई वालों के दावे पर भी उठने लगे सवाल। ध्यान रखिए, पूरा सच जानने के लिए खबर को पूरा देखना जरूरी है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके लिए शांति पाठ किए जाने का कार्यक्रम तो सामने आ ही गया है, लेकिन उनकी तेरहवीं को लेकर जो खबर आ रही है उसने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है। अभी तक खबर ये थी कि मुलायम के निधन पर तेरहवीं भोज का आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन आज जब तेरहवीं का कार्ड सामने आ गया तो कहानी में ट्विस्ट आ गया है। आप खुद देखिए ये कार्ड जो कई लोगों को मिला है, इस कार्ड में क्या लिखा है पहले आपको ये बताते हैं और फिर बताएंगे कि अखिलेश के मना करने के बावजूद भी कौन मुलायम के लिए तेरहवीं भोज करने जा रहा है। मान्यवर, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हम सबके पूजनीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का स्वर्गवास दिनांक 10 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार को हो गया है, जिनकी दिवंगत आत्मा की शांति हेतु निम्नवत कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। कार्यक्रम त्रयोदशी दिनांक 23 अक्टूबर 2022 दिन रविवार, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त कार्यक्रम में पधारकर दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान कर हमें कृतार्थ करें। शोकाकुल परिवार, समस्त ग्रामवासीगण, खाखापुर, लहरा का पूरा, प्रतापगढ़। कार्यक्रम स्थल पंचायत भवन खाखापुरा, लहरा का पूरा, प्रतापगढ़। इस कार्ड के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की तेरहवीं प्रतापगढ़ में भी की जाएगी। ये निमंत्रण पत्र इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों से इसकी जानकारी मांगी गई, तो उन्होंने ऐसे पत्र की जानकारी से साफ इनकार कर दिया। कार्ड में शोकाकुल परिवार के रूप में समस्त ग्रामवासी लिखा है और कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन इसमें आयोजक ने अपना नाम और मोबाइल नंबर नहीं दिया है, लेकिन यह कार्ड चर्चाओं में जरूर आ गया है। आपको बता दें कि सैफई की परंपरा के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की तेरहवीं का आयोजन नहीं होगा। खुद अखिलेश यादव ने इसकी जानकारी दी है। नेताजी ने हमेशा तेरहवीं भोज का विरोध किया था। उन्हीं के कहने पर सैफई में तेरहवीं भोज का आयोजन नहीं किया जाता। इस प्रथा को समाप्त करने का नेताजी मन पहले ही बना चुके थे। इसी को लेकर सैफई में किसी के यहाँ तेरहवीं का भोज नहीं होता। इसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि इस भोज प्रथा से गरीबों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, जिस वजह से इसको पहले ही समाप्त किया जाना चाहिए। इसी के तहत मुलायम के परिवार में उनके बड़े भाई रतन सिंह, भतीजे रणवीर सिंह और उनकी पत्नी के देहांत के बाद भी तेरहवीं भोज नहीं दिया गया था, बल्कि 11वें दिन शांति हवन जरूर किया गया। मुलायम परिवार में तेरहवीं संस्कार की रस्म तो पूरी की जाएगी, लेकिन भोज नहीं होगा। तेरहवें दिन सिर्फ कुछ ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।